कक्षा 11-12 के छात्र छात्राओं के लिए विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत छंद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, हिंदी विषय में काव्यशास्त्र के अंतर्गत हम 3 चीज़ का अध्ययन करते हैं, अलंकार, रस, छंद, जिनमें आप लोग अलंकार रस जान चुके होंगे। हम रस के बारे में बताते हैं। देखिए, ये जो छंद है, सॉरी, छंद के बारे में बताते हैं। अलंकार जिसे काव्य की आत्मा को रस कहते हैं, काव्य के विभाजन को छंद कहते हैं और काव्य के सौंदर्य को अलंकार कहते हैं। आज हम काव्य के जो अलग अलग प्रतिरूप दिखाई देते हैं उसका वर्णन करेंगे। तो हम आज छंद पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, पहले हम छंद की परिभाषा देखते हैं। यति, गति, तुक, ताल, लय आदि के सम्मिलित रूप को छंद कहते हैं। छंद के संकलनकर्ता आचार्य पिंगल हैं। आचार्य पिंगल ने छंद की रचना की है। जैसे आचार्य भरत मुनि ने रस का प्रवर्तन किया, आचार्य भामह ने अलंकार लिखा, उसी प्रकार आचार्य पिंगल ने छंद की रचना की। देखिए, यहाँ पे यति, गति, तुक, ताल, लय पर थोड़ा हम आपको दिखाते हैं क्या है इसका वर्णन। यति, यति का मतलब होता है रुकावट, विराम जिसे कहते हैं। गति, गति मतलब होता है चाल, मतलब पढ़ने की एक गति होनी चाहिए काव्य को। तुक, तुकबंदी होती है कि कैसे उसको पढ़ा जाए, किस आधार पर। ताल मतलब पढ़ने का एक ताल होना चाहिए, धुन होनी चाहिए। लय, सुर जिसे कहते हैं। इन सब को जब मिला दिया जाए उसे छंद कहा जाता है। छंद के भेद, छंद के 3 भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। सबसे पहले है मात्रिक छंद, क्योंकि मात्रिक छंद और वर्णिक छंद 2 ही छंद पढ़ते हैं। मुक्त छंद पढ़ा नहीं जाता, जहाँ पर दोनों छंद ना हो मुक्त छंद होता है। हमारे काव्य में बहुत ऐसी कविताएं होती हैं जहाँ पर ना तो मात्रिक छंद होते हैं ना वर्णिक छंद होते हैं, ऐसे छंद को मुक्तक छंद कहा जाता है। ये अक्सर दिखाई देते हैं रचनाओं में, जैसे निराला की जो कविताएं हैं उसमें मुक्त छंद ही दिखाई देता है, इसलिए मुक्तक छंद है। तीसरा, सबसे पहले देखेंगे मात्रिक छंद, जहाँ पर मात्राओं के कारण छंदों का निर्माण होता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद। सम, विषम, अर्धसम। सममात्रिक छंद होते हैं जहाँ पर मात्राओं की संख्या समान होती है। विषम मात्रिक छंद होते हैं जहाँ पर मात्राओं की संख्या विषम होती है, एक समान नहीं होती। अर्धसम मात्रिक छंद होते हैं जहाँ आधा सम आधा विषम होती है, वो विषम मात्रिक छंद। ये 2 चरण में 13-13, 2 में 11-11 ऐसे होते हैं अर्धसम। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद जहाँ पर मात्राओं की संख्या के सभी चरणों में एक समान होती है, जहाँ पर मात्राओं की संख्या सभी चरणों में एक समान होती है उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। इसके अंतर्गत चौपाई, हरिगीतिका, रोला, गीतिका आदि आते हैं। ये हैं सममात्रिक छंद। तो सबसे पहले हम देखते हैं चौपाई। चौ माने 4, पाई माने पैर, इसी प्रकार की परिभाषा बन जाती है चौपाई, चारपाई। चारपाई में 4 पैर होते हैं, उसी प्रकार से चौपाई में 4 चरण होते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है।
पहले भी आप जो के पढ़ के आ रहे हैं सामातिक छंद, तो सामातिक छंद है। इसके चार चरण होते हैं, तो चार चरण होते ही हैं, क्योंकि चौपाई में चार चरण, चारपाई में चार पैर, तो इसमें चार पैर में चरण चार होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं वाला बराबर मात्राएं होंगी, अतः अंत में लघु गुरु का योग होता है। योग मतलब होता है या तो दो लघु होगा या तो दो गुरु होगा, उसे कहते हैं चौपाई। देखिए इसका उदाहरण कैसे देखेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजर विहारी। मंगल भवन, यहाँ पर मात्रा लगाएंगे। देखिए मात्रा लगाने में एक ध्यान देना पड़ता है लघु और गुरु का। हम छंद में लघु गुरु का विशेष ध्यान देते हैं। लघु में एक मात्रा लगती है, गुरु में दो मात्रा होती है। दो मात्रा इस तरह से लगाई जाती है और एक मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, ठीक। और जो एक मात्रा के वर्ण होते हैं वे अधिकतम वो जो हिंदी में ह्रस्व होते हैं उसे ही लघु कहा जाता है, वे एक मात्रा के वर्ण होते हैं। और जो दीर्घ कहे जाते हैं व्याकरण की दृष्टि से उसे यहाँ गुरु कहा जाता है, वो दो मात्रा के वर्ण माने जाते हैं। इस प्रकार से छंदों का निर्माण होता है। यहाँ मंगल है तो चंद्रबिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ पर अनुस्वार में अनुस्वार विसर्ग में जो है गुरु होता है। तो यहाँ पर इस तरह से 4, 3, 7, 1, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 4, 16, यहाँ भी 16 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ चौपाई बन गई। चौपाई के बहुत से उदाहरण हैं। देव पूज पद मग्न मारे, सुर नर मुनि सब हुए सुकारे, प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। ये सब चौपाई के उदाहरण हैं। देखिए एक चीज़ बता दें कि सम्मातिक छंद में एक विशेषता है कि सम्मातिक छंद में अगर चार चरण ना भी याद हों, अगर दो चरण आ जाएं तब भी आपके वो उदाहरण गलत नहीं माने जाएंगे, क्योंकि दो चरण वो बराबर माने जाएंगे। लेकिन असमातिक छंद में चार चरण का होना अनिवार्य है, चार नहीं होंगे तो पूरा होगा ही नहीं। लेकिन सम्मातिक छंद में अगर दो भी हो जाएं तब भी वह पूर्ण माने जाते हैं और गलत नहीं माना जाता है। अब देखेंगे रोला। यह एक सम्मातिक छंद है, इसके चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएँ होती हैं। रोला में 11 तथा 13 पर यदि होती है, यदि मैंने होता है रुकावट, वो होता है रोला। जैसे तरण, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। तरण, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाये, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। यहाँ पर तरण, तनुजा अर्थात तमाल, तमाल के बाद यति हुई है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए चरण नहीं यति है। तो यहाँ पर 13, यहाँ पर 11, इस प्रकार से यहाँ 24, 13, 11, 24 होता है, 24 यहाँ भी हो जाएगा। ये है रोला, ठीक। इसके बाद हम आगे देखते हैं हर गीत का छंद है। हर गीत का छंद यह एक सम्मातिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं, 12 तथा 16 पर यति होती है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यह क्या है? हरिगीतिका। ये हरिगीतिका का उदाहरण है। यहाँ देखिए कि यहाँ से यहाँ तक एक चरण है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, एक चरण है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, एक चरण है। ये हरिगीतिका है, ये अपूर्ण नहीं है, ये पूर्ण माना जाता है। सम्मातिक छंद में यही एक अच्छाई है कि दो चरण में भी पूर्ण माने जाते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कुछ और लगने वाला है,
लेकिन असमातिक छंद में ऐसा नहीं, वहाँ चारों का होना अनिवार्य है। विषमातिक छंद में ऐसा नहीं, वहाँ चारों का होना अनिवार्य है, छः का होना अनिवार्य है, छः होंगे वहाँ। लेकिन सममातिक छंद में वरदान है कि हाँ दो भी हो तो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा, उदाहरण यहाँ पूरा माना जाता है। इस प्रकार से आप लोग आज सममातिक छंद के अंतर्गत चौपाई, रोला, हरगीतिका देखें। इसके बाद हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में हरगीतिका, चौपाई और रोला के कम से कम दो दो उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।